तो ही गाइस अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज जाना है मुझे सदर, आज लेकर आना है मुझे इन्वर्टर, क्योंकि मैंने अभी इनको फ़ोन करा तो कह रहे हैं आप 4 बजे से पहले पहले आके इन्वर्टर ले जाएं। और भाई बाहर ऐसी कोई शदीद किस्म की धूप और गर्मी हो रही है कि बस नाकाबिले बर्दाश्त। और अदान को भी बहुत गर्मी लग रही है, मदर क्या दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, मेरा भी धड़क रहा है, दिल सबका धड़क रहा होता है भाई, सबका सबका। अबे ये उल्टे हाथ पर होता है, उल्टे हाथ पे यहाँ दिल होता है धड़क रहा है। तो खैर अभी मुझे तैयार होना है क्योंकि मैं ना नहा के जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। फिर मुझे वहाँ से काशी को लेके जाऊँगा अपने साथ। तो खैर आज का व्लॉग हमारे यहीं से स्टार्ट होता है, तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम देख सकते हैं हम ऊपर जा रहे हैं और आज फिर काशी भाई यहाँ पर चक्कर खाते जाओ, घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, यहाँ पर बस ये फाइनली पहुँच गया हम लोग ऊपर। तो भाई हम लोग आ गए हैं दोबारा से, इतने चक्कर लग चुके हमारे यहाँ के, इतने चक्कर लग सकते हैं मैं बता नहीं सकता। रमजान में बहुत लगे, नॉर्मल डेज में भी काफी लगे। और ये है मेरा मैला कदम कुमार का रानी लगाया, मैंने थोड़ी बोला था आप बताते मना करते थे, डाइट सेट आके बोला था चलो 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 देर खैर चलो हम आपको पहुँच गए फिर आपको दिखा। Hours later. भाई यहाँ पे मैं कितनी देर से बैठा हूँ, कितना देर से रश कितना हो रहा है। चल काशी को तो भूख ही लग रही है, काशी भूखा हम तो काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हैं, इतना इतना टाइम हो गया, इतना टाइम का तो मैं 2 घंटे हो गए आगे इतना। और यहाँ पे इनकी टाइमिंग भी ऑफ हो गई बंद होने की, और अभी भी यहाँ पे इतना रश हो रहा है, सब सब लेके खड़े हैं। तो जब यहाँ पे हमारी बारी आएगी तो फिर हम जाएंगे और लेना लास्ट में आज ही लेगा, तो मिलते फिर बाद। तो भाई हम लोगों ने इन्वर्टर ले लिया, ये पड़ा हुआ हमारा इन्वर्टर, इन्वर्टर ले लिया है। और काशी डॉन क्या मैं कुछ नहीं खिलाऊंगा बेटा, मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हें तुम्हें यहाँ पे इस वजह से लेकर तुम्हें कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तो मैंने बोला था नाश्ता करके नहीं आना, मैंने बोला था। खैर तुम मेरे एक दोस्त की तरह नहीं बनो प्लीज़, उस दोस्त को मैंने कटा दिया, मैं तुम्हें ना कटा दूँगा। खैर काशी खिलाएगा सबको आज खाना और मुझे आज, तो मिलते हैं अब कहीं खाने वाली जगह जो काफ़ी हमें खिला रहा है। तो भाई सदर से मैं थोड़ी देर पहले घर पर आके बैठा हूँ, मैंने सदर से आते हुए काशी को घर छोड़ा, वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत चाय सॉरी पानी वगैरह पी के मैं यहाँ पे डायरेक्ट घर आ गया, क्योंकि बहुत गर्मी की वजह से इतनी प्यास लग रही थी तो मैं डायरेक्ट ही घर आ गया। फिर आने में 1 घंटा लग गया, अगर इतना कोई ट्रैफिक था रोडों पर, इतना हद से ज़्यादा कोई ट्रैफिक था कि मैं बता नहीं सकता था। खैर मैं आया घर पर आके मुँह हाथ वगैरह धोकर मैंने खाना खाया, क्योंकि भूख भी लग रही थी, खाना खाया। तो अब मुझे मैदान को मदरसे छोड़ने जाना है, तकरीबन 7:30 बजे तक मैदान को मदरसे छोड़ना है, फिर मुझे कटवाने हैं अपने बाल, क्योंकि देखो बियर्ड वगैरह सब बड़ी हो रही है दम, मेरे बाल बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। खैर वो बाल वगैरह कटवाएंगे, फिर उसके बाद कल की तैयारी करेंगे, क्या सीन है क्या सीन है। और अजान ये रहा मेरे पीछे, क्या कर रहे थे तुम, क्या कर रहे हो, तो मोबाइल ही चलाते रहो। खैर हमारी मर्जी, ठीक है। तो आप मुझे इतना चीज़ देते हैं, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद, जब मैं बाल आके कटवाऊँ, जब बाल कटवा कर आऊँगा, जब बाल कटवा कर आऊँगा फिर मिलते हैं आप लोगों से। कितने डैश हो रहा तुम, बाय बाय। 2 hours later। सो भाई अभी मैं बिल्कुल अभी अभी बाल कटवा कर आया हूँ, मैं फ़ौरन नहाया ना गया, मैं थोड़ा हल्का एकदम फ्रेश फ्रेश सा हो गया और बाल भी मेरे अच्छे कटे हैं, पड़ जाओ बाल भी मेरे अच्छे कटे बस। और अब हमें जाना है कल की तैयारी करनी है, जो जो चीज़ें रखनी है वो रखनी है, हो सकता है हम लोग रात में नानी के चले जाएं या तो फिर सुबह जाएंगे, अब मम्मी पे डिपेंड करते हैं कि हम सुबह जाते हैं या रात में जाते हैं। खैर मम्मी पापा से पूछेंगे फिर बताएंगे कि हम लोग रात में जाते हैं या फिर सुबह जाते हैं। तो खैर अभी मेरे पास टाइम काफ़ी है, तो मैंने सोचा कि ना मैं व्लॉग एडिट कर लूँ,
क्योंकि मैंने आज वाला व्लॉग अभी तक डाला ही नहीं है भाई, यानी कि कल वाला व्लॉग मैंने अभी तक डाला ही नहीं है जो मुझे अपलोड करना था, तो मुझे भी वो अपलोड करना है। बल्कि पहले तो वो एडिट होगा फिर अपलोड होगा, फिर उसके बाद वो यूट्यूब पर आएगा और आप लोग देखिएगा। तो उसको भी लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी मुझे जाते हैं, मैं जल्दी से पहले जाके ना व्लॉग एडिट कर लेता, फिर आप लोगों से मिलते हैं रात में। सुबह हम लोग नानी के तो नहीं गए, अम्मी ने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार नानी के नहीं जा रहे, सुबह ही चलेंगे। तो खैर मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, मैं बाहर निकला, मैंने कहा गाड़ी वगैरह साफ़ करके सुबह के रेडी कर देता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं गाड़ी को स्टार्ट करने गया तो स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि वो तीन चार दिन से ऐसी खड़ी हुई थी, ना वो स्टार्ट हुई ना वो कुछ हुआ, वो सिर्फ खड़ी हुई। खैर हमने धक्का मार के बाहर निकाला, पता चला साइड वाला टायर पंचर, फ्रंट भी पंचर। तो भाई पंचर लगवाने गए, पंचर लगवाने में ही इतना टाइम लग गया, और अभी इस वक्त टाइम बजे हो रहा है 2:30 बज रहे, हम तकरीबन मैं वकास और जिन्हें पंचर लगवा कर आए तकरीबन पूरे 2 बजे आए। तो फिर हमने कहा चलो गाड़ी थोड़ी सी गर्म कर लेते हैं, तो हम थोड़ा सा दूर चले गए, पान वगैरह खाते पीते आराम से, फिर हम लोग अभी घर आए। तो आके मैंने कहा चलो व्लॉग को एंड करते हैं, और फिर सोच रहा हूँ कि मैं कल, यानी कि ये जो व्लॉग बना रहा हूँ ये मैं कल सुबह ऐसे अपलोड कर दूँ कि 8-9 बजे तक अपलोड कर दूँ, सुबह ही सुबह अपलोड कर दूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं अपलोड करने बैठूँ, क्योंकि अब से मुझे शादी में भी जाना है। तो खैर आज मुझे इजाज़त दें, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक, तो होप यू गाइस एंजॉय माय व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।